चीजें ही बोलना चाहती हूँ। मैं इस गांव को बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। गांव के लोगों ने हमेशा मेरे को और मेरी माँ को अपना प्यार और आशीर्वाद सहयोग दिया है। मैंने पिछले 5 साल से प्रयास किया है कि जो मुद्दों से एक आम आदमी का हिस्सा देश में बढ़े, उन मुद्दों के बारे में मैं बात करूँगा, लड़ाई न करूँ। जब किसान आंदोलन दिल्ली में हुआ और किसान 500 किसान शहीद हुए, कोई सांसद ने उन किसानों के पक्ष में नहीं बोला, लेकिन मैंने लगातार उन किसानों के लिए अपनी बात रखी, अपनी आवाज उठाई और उनकी लड़ाई को अपना लड़ाई समझी। मुझे लगा कि अगर रोजगार के मुद्दे उठाए, आज 1 करोड़ सरकारी पद खाली है रोजगार के, ऐसा क्यों है जब गांव गांव में बेरोजगारी है? यहाँ के लोगों को 500 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है अपने परिवार पालने के लिए। दो हिंदुस्तान एक साथ क्यों जी रहे हैं? अभी आप अस्पताल जाइए, कोई बड़ा सेठ है, उसकी गाड़ी आती है, उसको बेड मिलता है, उसको सब कुछ व्यवस्था मिलती है, और एक आम आदमी जाता है अस्पताल, उसको फर्श पे सोना पड़ता है 2-4 दिन इलाज कराने के चक्कर। लोन की व्यवस्था इस तरीके से है कि जो पैसे वाले हैं उनको 10-20-30 हज़ार करोड़ लोन मिल चुका है, देश भाग गए। और अगर यहाँ के नवदिया सुखदासपुर के कोई व्यक्ति 2 लाख रुपए का भी लोन लेना होता है तो 10 चक्कर काटने पड़ते, और 10 चक्कर के बाद भी जब तक रिश्वत ना दो तब तक लोन भी नहीं मिलता। हमारी ये संविदा कर्मचारी बहनें बैठी, आशा बहू, आंगनबाड़ी, हमारे शिक्षा मित्र भाई, सब लोग, इनको पूछे कितने खून के आंसू ये रो रहे हैं। हर बार सरकार इनको कहती है आपका मानदेय बढ़ाएंगे, आपका स्थायीकरण करेंगे, ये करेंगे, कुछ कुछ नहीं। और नए नौकरी को फिर भी संविदा में डाल दें, संविदा में क्यों नई नौकरी डाल दें सरकार? क्योंकि जब चाहे दे दिया, जब चाहे फेंक दिया, ना कोई पेंशन, ना कोई बाद में स्वास्थ्य बीमा, ना कुछ। मैं इस राजनीति के खिलाफ हूँ जिसमें एक आम आदमी को दबना पड़े। जब आप आज भी अधिकारी के पास जाते हो, इतने साल आजादी के बाद आपको अपने आवाज को झुका के बात करना पड़ता है अपना काम कराने, नहीं तो अधिकारी नहीं सुनते, पुलिस नहीं सुनता। क्या मैं सही कह रहा हूँ कि मैं गलत कह रहा हूँ? सही कह रहे हैं आप। क्यों? सवाल ये है कि दो हिंदुस्तान एक साथ है, भारत माता की जय क्या केवल एक नारा है? मैं समझता हूँ भारत माता की जय तभी होगी जब भारत माता के सारे संतान की इज्जत बराबर और सारे संतानों के सपनों की कीमत बराबर। मैं राजनीति में आया, मैंने समझौते की राजनीति नहीं, सिद्धांतों की राजनीति। मैं अकेला सांसद हूँ जिसने 15 साल में कभी सांसद की 1 रुपये तनख्वाह नहीं दी। मैंने सांसद का घर नहीं दिया, मैंने सांसद की गाड़ी नहीं दी। पीलीभीत पे हम 8 बार जीते, हमने पीलीभीत में 1 इंच जमीन कभी नहीं बनाई, न घर बनाए। बाकी एक एक बार विधायक बन जाते हैं, उनका हुलिया बदल जाता है। क्या मैं सही कह रहा हूँ, मैं गलत कह रहा हूँ? गाड़ी बदल जाती है, घर बदल जाता है, बच्चों के हालात बदल जाते हैं, सब। कोई पीलीभीत में कॉलोनी काट रहा है, कोई यहाँ कर रहा है, कोई वहां कर रहा है, सब चोरी में लगे थे। लेकिन मैं नहीं चोरी, मैं एक साधारण जीवन जी रहा हूँ। मैंने फायदा नुकसान नहीं देखा कभी, मैंने सही और गलत, सही गलत सोच के मैंने आप लोगों का साथ दिया, आपके मुद्दे उठाए। जब कोरोना कोविड हुआ, किसी भी नेता ने आपकी मदद नहीं, 3,000 लोग मर गए शाहजहांपुर में, 3,000 बरेली में, 4,000 लखीमपुर, पीलीभीत में 100 लोग भी नहीं मरे। क्यों? क्योंकि वरुण गांधी ने 1 हफ्ते में विदेश से 3,000 ऑक्सीजन सिलेंडर बना के दिए। आपको याद है बड़े बड़े ऑक्सीजन सिलेंडर मैंने दिए, मैंने दवाइयां जर्मनी से मंगा के यहाँ मुफ्त में दी अस्पतालों, ताकि कोई मरे ना। मैंने 1 साल पूरनपुर, पीलीभीत, बीसरपुर और बहेड़ी में 1 साल
अपने पैसे से मुफ्त में सांसद रसोई चलाए कि कम से कम कोई बीमार है तो उसको भूखा तो नहीं रहना पड़े। और मैंने इसलिए किया क्योंकि मेरी माँ ने मुझे छोटे से कहा कि हमारा परिवार केवल वो नहीं है जो हमारे घर में है, हमारा असली परिवार पीलीभीत का हमारा परिवार। जा भी हम लोग जाते हैं, लोग हमसे पूछते हैं कि आपका पीलीभीत का परिवार कैसा है। और आज मैं आपको कहता हूँ कि आप भी कहीं जाते हैं देश और आप कहते हैं हम पीलीभीत के हैं, तो लोग आपसे पूछते होंगे कि वो मेनका गांधी वाला पीलीभीत से आप हैं, मेन वरुण गांधी वाले पीलीभीत से हैं, क्या मैं सही कह रहा हूँ कि मैं गलत कह रहा हूँ। हमारी पहचान इस क्षेत्र से है, इस क्षेत्र की पहचान हमारे घर से, और ये बहुत गाढ़ा और गहरा रिश्ता है। अगर कोई भी व्यक्ति अपने आप को किसी संकट में अकेला पाए तो अभी मैं अपना फोन नंबर बोल देता हूँ, अपना फोन निकालो, मेरा नंबर लिख लीजिए, हो सकता है किसी